हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की डिमांड पे, यानी जो मेरे सब्सक्राइबर उन लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि धुन इस वेब सीरीज के बारे में कुछ अपने रिव्यू शेयर करो और भाई कैसी देखनी चाहिए कि नहीं, और कहाँ पे मिलेगी या देखने के लिए कहाँ पे अवेलेबल है। तो सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कैसी है और ये कहाँ पर मिलेगी, ये सारी की सारी बात बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों का शेयर जरूर करो। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बेसिकली जिन लोगों को लग रहा है धुन ये वेब सीरीज है, तो मैं लोगों को बता दूं ये वेब सीरीज नहीं है, ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसमें हमें नजर आती कंगना शर्मा, रवि भाटिया, जाकिर हुसैन, सोनम अरोड़ा। कहानी ये है कि इसमें, कहानी से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट जैसे शुरू होता है आपको इरोटिक सीन देखने को मिलेगा कंगना शर्मा और रवि भाटिया का। वो इरोटिक सीन वही है जो आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, लगभग 3 या 3.5 मिनट का इरोटिक सीन है। उसके बाद कहानी ये बताती है कि कंगना शर्मा एक बॉलीवुड की फिल्म एक्ट्रेस है और वो लिव इन रिलेशनशिप में है रवि भाटिया के कैरेक्टर के साथ, लगभग 3 साल से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी है और वो चाहती है उससे शादी करना, मगर वो हमेशा टालता रहता है। ऐसे एक दिन वो घर से गायब हो जाता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ कर देता है और उसे मतलब कॉन्टेक्ट में रहता ही नहीं, तो वो परेशान हो जाती है कि बंदा गया कहाँ। तो इस बीच में उसकी फ्रेंड थी जो रोल प्ले की सोनम अरोड़ा ने, यानी कि नल्ली फ्रेंड, नल्ली इस वजह से बोल रहा कि वो वन ऑफ दी थर्ड क्लास लड़की मेरे जिंदगी में देखा होगा जो वो कैरेक्टर है, वो से बहुत बुरा भला इस लड़के के बारे में बोलती है। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, कंगना शर्मा को उनके मैनेजर का कॉल आता है, वो कहता है कि चोपड़ा जो डायरेक्टर है उन्होंने अपनी फिल्म में एक नई लड़की को ले लिया जो कि तुम्हारी फ्रेंड थी, अब तुम्हारा बॉलीवुड में जो पहले नाम था वो नाम धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तुम्हें इस तरीके की फिल्में यानी कि चोपड़ा सर की फिल्म जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसी उसकी फिल्मों को ठुकराते रहोगी, सबकी फिल्मों को ठुकराते रहोगी, तो तुम कहीं ना कहीं गायब हो जाओगी, तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा इंडस्ट्री से। लेकिन वो बोलती क्या है, कंगना शर्मा बोलती है कि अगर मैं उस चोपड़ा सर की फिल्म करने को तो रेडी हूँ, मगर चोपड़ा सर चाहता है कि वो मेरे साथ एक रात यानी कि वन नाइट स्टैंड करे, तो बहुत माना करती। बाद में वापस उसकी नल्ली लाइफ में आगे बढ़ना, तरक्की करना, तो तुझे वन नाइट स्टैंड क्या तुझे जितनी बार करना पड़े तू कर सकती है और करना चाहिए, मतलब ये फालतू की सजेशन देती है। और ये जितनी वेब सीरीज होती है ना भाई, ये सब थर्ड क्लास चीजें होती है, मैं बस लोगों को रिकमेंड करूंगा ये सब चीजें ना देखे। और आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि इस तरीके की वेब सीरीज का रिव्यू करो, अपने रिएक्शन बताओ, तो बस उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाता हूँ। मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगा ये सब चीजें ना देखे, बिल्कुल भी ना देखे, क्योंकि ये वो थर्ड क्लास लोग हैं जो पहले बी ग्रेड सी ग्रेड या फालतू की फिल्में बनाते थे, अब उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो वो अपनी धड़ल्ली से अपनी मर्जी से चीजें बना रहे हैं और कुछ नहीं। तो बात करते हैं इस शॉर्ट फिल्म के बारे में, तो यार वो उस डायरेक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड करती है या नहीं करती है, क्या उसका जो लिव इन रिलेशनशिप मैंने रवि भाटिया उसकी लाइफ में वापस आता है कि नहीं, बस यही आपको लगभग आधे घंटे की जो शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेगा। तो उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसी है नहीं जो मैं आपको बता सकूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने किया रिव्यू जो लोग मुझे कमेंट करके बोले, तो मैं बोलूंगा भाई ये सब चीजों से दूर रहो तो उतना अच्छा है। अब फिर भी अगर आपको ये शॉर्ट फिल्म देखते हैं तो टेलीग्राम पे जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको ऑनलाइन देख सकते हो। यार इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा शेयर करो, नहीं भी पसंद आया तो यार लाइक जरूर करके जाना, और इतना बोलोगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं उन लोगों को बताऊँ जो मेरे व्यूवर्स उन लोगों को इतना बोलोगे यार इस सब चीजों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ और ना मैं कभी फ्यूचर में सपोर्ट करूंगा, ये सब चीजें लोगों को जहन खराब करती है, स्पेशली जो यंगस्टर है जो कम है इसके, वो लोग ये सब चीजों को देख के बहकते। और मैं बोलता हूँ कि पहले फ्यूचर में जान दो, बाद में सब फालतू चीजें करो, ये एंटरटेनमेंट भी नहीं है मेरे हिसाब से तो, मगर क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे पता नहीं। तो यार बस उन लोगों को इतना बोलोगे, अगर आप लोगों को पसंद है देखिए और नहीं पसंद है नहीं देखिए। मैं भी आपसे कल किसी नए वीडियो में मिलता हूं।